हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और मैं चाय बनाने के लिए आई हूँ। एक्चुअली आज मैं व्लॉग नहीं कर पाई और कुछ वीडियोस मैंने डाली आज, कुछ मैंने ऐसी ही वीडियोस डाल दी। आज मैंने चार बनाया था उसकी वीडियो डाल दी और आज पॉपकॉर्न्स बनाए उसकी वीडियो डाल दी, बट अपनी वीडियो नहीं डाली। तो मेरी चाय जो है वो बन रही है इस टाइम किचन में। और एक्चुअली आप देख पा रहे होंगे अभी बॉयल हो चुकी है और मैं इसमें दूध डाल देती हूँ और अब मैं इसको स्लो कर दूँगी। तो और मैंने जो है करेले बनाने हैं कल, और करेले जो हैं मैंने इस तरीके से रखे हुए हैं और इनमें अभी नमक लगा रखा है मैंने ताकि इनका सारा कड़वाहट और ये सब निकल जाए। तो ये कल मैं करेले बनाने वाली हूँ। और अभिषेक आई थिंक सो चुके हैं, अभिषेक भी सो गए हैं और दृष्टि भी सो चुकी है। सुबह से स्कूल जाना है और 2-3 दिन से उसकी छुट्टी हो रखी थी। अभी मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा कि चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ और मूवी देख रही थी मैं, गाजी अटैक अभी टीवी के ऊपर आ रही थी वो। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको। और दैट्स इट। और कल मेरे साथ एक बहुत अजीब चीज़ हुई है कि कल जो मैंने वीडियो शूट किया है अपना, वो व्लॉग जो मैंने शूट किया था जिसमें मैंने लंच प्रिपेयर कर रही थी, मेरे 2 क्लिप्स जो हैं वो डिलीट हो गए उसमें से। जब मैंने वो बनाए और बनाने के बाद जब वो मैंने कैमरे में मतलब देखे हैं बाद में, तो वो मेरे को फ़ोन में जब मैं फ़ोन से बनाती हूँ मैं क्लिप्स, तो जब मैंने वो फ़ोन पर देखे तो मेरी वो दोनों क्लिप्स जो थी वो डिलीट हो चुकी थी, उसमें नहीं थी। और मेरे को इतना अजीब लगा, मेरे को लगा कि अब मेरा व्लॉग नहीं जाएगा, मैं व्लॉग कैसे कंप्लीट करूँगी और क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था, लेकिन फिर मैंने किसी तरीके से वो एक क्लिप जो था वो नहीं था मेरे पास, उसके बाद आगे मैंने वो सब्जी कंटिन्यू करी और वो व्लॉग मैंने कैसे भी करके कंप्लीट करा है। तो कभी कभी ऐसा भी कुछ हो जाता है, फ़ोन जो है उसमें भी कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है। दिख तो रहा था कि रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन उसके बाद जब मैंने वो ओपन किया तो अनसपोर्टेड फाइल बता रही थी और बस मेरा दिमाग ख़राब हो गया उस वक्त कि यार ये ऐसा क्यों हो गया है। एक तो वो व्लॉग करने में बहुत ज़्यादा और कोई भी कुकिंग वीडियो शूट करने में बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि आप साथ साथ बना रहे हो और साथ साथ आप शूट कर रहे हो और कभी कभी प्रॉपर जगह नहीं होती कैमरा रखने की, प्रॉपर प्लेस नहीं मिलती है कहाँ पर कैमरा रखूँ, वो कैमरा नहीं फ़ोन, एक्चुअली फ़ोन है मेरे पास, तो कहाँ पर मैं एडजस्ट करूँ उस फ़ोन को यही नहीं पता लग रहा होता, तो थोड़ा हार्ड रहता है। तो ये ट्रेजेडी कल मेरे साथ हुई है, मेरी क्लिप्स ऐसे डिलीट हो गई और वो आधी अधूरी जो भी थी वो मैंने करके कंप्लीट और व्लॉग डाला था कल। और एक और मेरे को बहुत सारी बार मेरे से पूछते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप एडिट कैसे करते हो, तो मैं अपने फ़ोन से ही एडिट करती हूँ और अभी बॉयल नहीं हुई है तो मैं अपने फ़ोन से ही एडिट करती हूँ। और फ़ोन में मैं जो है प्ले स्टोर से मैंने 2 एप्लीकेशंस डाउनलोड कर रखी हैं, एक एप्लीकेशन है काइन मास्टर के नाम से और एक फिल्मोरा के नाम से है। तो फिल्मोरा से 1080 रेजोल्यूशन में मतलब जो वीडियो है वो बन जाती है, बट काइन पे ये रहता है कि आपको 720 ही रेजोल्यूशन मिलता है और आप उस पर ही वीडियो एडिट कर सकते हो। तो थोड़ा सा फिल्मोरा का जो है उसके बेनिफिट ज़्यादा हैं, बट काइन का ये है कि उस पर एडिट अच्छा हो जाता है। और समझने की बात यह है कि जब आप वो ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है उसको, बहुत ही सिंपल है वो बनाना उसमें वीडियो, और आप खुद समझ जाओगे किस तरीके से आपको वो एडिट करना है। और मैं भी खुद ही सीख गई हूँ ये सारी चीज़ें, एडिटिंग ये वो, मैंने अपना चैनल ही खुद बनाया है। एक्चुअली मेरे को कोई ही नहीं बताने वाला कि आप इस तरीके से अपना चैनल जो है वो क्रिएट करो या ये सब चीज़ें, मैंने अपना चैनल खुद बनाया, अपना अकाउंट खुद बनाया और वीडियोस अपलोड करनी सीखी उस पर, किस तरीके से अपलोड करते हैं कैसे एडिट करते हैं मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैंने भी यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के ही मैंने ये सब चीज़ें सीख ली हैं कि किस तरीके से आप कर सकते हो इनको। तो
इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इतना हार्ड चीज़ नहीं है, कोई भी सिंपली वीडियो शूट करके उसमें एडिट करके यार डाल सकता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है जो उसमें सिखाने वाली बात है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं उससे रिलेटेड, आप वो देख सकते हैं उसमें। और नहीं था करने के लिए, और जब छुट्टी होती है तो और बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। मतलब मैं अगर घर में अकेली होती हूँ तो मैं फिर भी वीडियो निकाल लेती हूँ, एक या दो वीडियो आराम से निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये लोग सुबह चले जाते हैं तो मेरे पास टाइम रहता है अपने लिए। बट जब ये लोग घर पे होते हैं तो इनकी डिमांड्स, इनकी खाने की, इसकी उसकी, लंच डिनर, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है सारा काम, और काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब ये नहीं होते हैं दोनों घर पे तब तो मेरे को टाइम मिल जाता है, लेकिन जब होते हैं तब मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है, यही प्रॉब्लम रहता है। और अभी भी बस मैं जाके सोऊंगी, और मेरी आंखें अभी भी सूज रही हैं क्योंकि मैं उठ के ही आई हूँ, सोती सोती उठ के आई हूँ। मुझे अचानक से लगा कि चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ, आज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भी आप लोगों को विश नहीं किया है, मैंने कोई वीडियो भी नहीं डाला है ऐसा, और भाई इंडियन है इतना तो बनता है। और अभी मैंने गाजी अटैक देखी, अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी मूवी लगी मेरे को, मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी, अच्छा लगा मेरे को उस मूवी को देख के। तो आज वैसे सारी चैनल्स पे कुछ इसी तरह की ही मूवीज़ आ रही हैं, देशभक्ति से रिलेटेड ही मूवीज़ आ रही हैं, तो पूरे सारे चैनल्स पे टीवी पे। और मैं ज़्यादातर मूवीज़ देखती नहीं हूँ, मैं गाने वगैरह सुनती हूँ, लेकिन बहुत रेयर होता है कि मैं कोई मूवी देख लूँ। और ज़्यादातर मुझे मूवीज़ और सीरियल्स और इस काइंड ये चीज़ें देखने का मुझे शौक़ नहीं है, मुझे एक्चुअली शौक़ है रोडीज़ देखने का। मैं स्प्लिट विला देखती हूँ, रोडीज़ देखती हूँ, और रोडीज़ जब ख़त्म हो गया तो स्प्लिट विला स्टार्ट हुआ, स्प्लिट विला आजकल मैं देख रही हूँ, स्प्लिट विला देख लेती हूँ। और उसके ऊपर वूट जो ऐप है उसके ऊपर मैं खतरों के खिलाड़ी भी देख रही हूँ आजकल, वो भी चल रहा है जो। और इस तरीके के मैं कुछ ऐसी चीज़ें देख लेती हूँ। पहले मैं डांस शोज़ वगैरह भी बहुत देखा करती थी, लेकिन आजकल मैं वो नहीं देखती हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता। और मैं ऑनलाइन शॉप बहुत ज़्यादा करती थी, जब वेली रहती थी, यूट्यूब नहीं होता था तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग ही करती रहती थी, मैं ये देखती रहती थी कौन सा है, कहाँ डिस्काउंट्स है, मंत्रा पे है, जेबोंग पे है, अमेज़ॉन पे है। बट आजकल इतना टाइम मेरे को मिलता नहीं है कि मैं ऑनलाइन ये सब चीज़ें करूँ, क्योंकि यूट्यूब ने इतना टाइम ले लिया है अब कि आप घर के काम करो, YouTube के लिए वीडियोस बनाओ, और थोड़ा ये, और थोड़ा सा पैशन भी है मुझे अपने काम के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना काम करना, दैट्स वाई। और चाय मैं डाल लेती हूँ आई थिंक, क्योंकि मैं थोड़ा सा उसको ज़्यादा बॉयल करने वाली थी, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा कड़ाती नहीं हूँ चाय को, बट अभी पूरा अच्छे से जो है हो चुकी है चाय, मैं इसको डाल लेती हूँ। तो चाय जो है वो मेरी बन चुकी है, और आज क्या हुआ एक्चुअली, पीछे पता नहीं कुछ आई डोंट नो पार्टी चल रही है या कुछ इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड ही कुछ उन्होंने फंक्शन कर रखा है, कुछ इस तरीके से चल रहा है। बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है, और बहुत ज़्यादा जब नॉइज़ होती है तो मैं सो नहीं सकती उतनी ज़्यादा नॉइज़ में, मतलब मुझे शांति चाहिए होती है सोने के लिए। कई लोग बहुत ज़्यादा आवाज़ में सो जाते हैं, जैसे अभिषेक बहुत ज़्यादा आवाज़ में सो सकते हैं आवाज़ हो, और जब उन्हें नींद आती है तो मैं टीवी देख रही हूँ या मैं गाने सुन रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, उन्हें नहीं पता लगता है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, मतलब मुझे बिल्कुल साइलेंस चाहिए होता है सोने के लिए, और ज़रा सी भी आहट होती है तो मेरी जो आँख है वो खुल जाती है, मतलब मैं नहीं सो पाती हूँ। तो और कल मुझे आई थिंक थ्रेडिंग भी कराना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा थ्रेडिंग हो रही है मेरी, तो जाना है, वो भी एक काम है। मैं एप्पल लिप्स वगैरह तो कर लेती हूँ, बट थ्रेडिंग नहीं हो पाती है मेरे से, वो काम कराना पड़ता है मेरे को जाके। और मैं वैसे पार्लर्स जाती नहीं हूँ कभी भी कुछ भी कराने, थ्रेडिंग भी मैं कहाँ से कराती हूँ, यहाँ हमारे एक आंटी रहते हैं इधर ही कोने पे, मैं उन्हीं से कराती हूँ, मैं शुरू से उन्हीं से कराती हूँ। तो पार्लर्स वगैरह मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ, कुछ भी ऐसा और कुछ कराना नहीं होता। कटिंग भी मैं खुद करती हूँ अपनी, ये स्टेप कटिंग्स जो भी मैंने कटिंग करी हुई है मैं खुद ही करती हूँ। तो किसी दिन मैं शेयर करूँगी, मैंने पिछले वाले अपने चैनल पे भी एक वीडियो शेयर किया था कटिंग मैं कैसे अपने आप घर पे करती हूँ, अपनी लेयर कटिंग है किस तरीके से मैं अपने लेयर्स करती हूँ, तो मैंने पहले भी वीडियो शेयर किया था। अभी भी मैं कटिंग करने वाली हो रही है तो मैं कटिंग ज़रूर करूँगी, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ये वीडियो कि मैं किस तरीके से खुद करती हूँ कटिंग। और अभी जो है चाय पी रही हूँ, और कुछ नहीं, कोई है भी नहीं मुझे कंपनी देने के लिए, आप लोग हो, लेकिन आप लोगों से बात कर रही हूँ और आप लोग कंपनी दे रहे हो मेरे को। और भी शायद कल जो है मेरा शायद अमेज़ॉन से सामान भी आ रहा है, वो अमेज़ॉन पेंट्री, क्योंकि आज शायद ऑफ होगा, सबकी छुट्टी थी इंडिपेंडेंस डे की वजह से,
तो कल शायद वो सुबह में आएगा, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर वो वीडियो शेयर करूंगी मैंने कैसे सामान मंगाया और किस तरीके से, क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे कि कैसे अमेज़ॉन से आप कैसे वो पेंट्री जो भी है उससे कैसे आप सामान परचेज करते हो। और यार काफ़ी अच्छा डिस्काउंट पे रहता है, इसलिए वो सामान मेरे को काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। बहुत सारी चीज़ों में 100-100 रुपये डिस्काउंट्स भी होते हैं, तो फिर फ़ायदा रहता है उस चीज़ का। तो अभी जो है आई थिंक काफ़ी सारी मैंने बातें कर ली हैं और एडिटिंग के बारे में बता दिया जो लोग पूछ रहे थे मेरे से, और आपको इंडिपेंडेंस डे भी विश कर दिया है। तो डैट्स इट, अभी मैं अपनी चाय पीऊँगी और सोने के लिए जाऊँगी, और मैं सुबह मिलती हूँ आपसे, फिर मैं बात करूँगी आप लोगों से, अच्छा सा कुछ व्लॉग करूँगी। तो अभी के लिए इतना ही, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, सोइए। और ये वीडियो मैं अभी पब्लिश मतलब ये वीडियो जो है मैं अभी एडिट करके डाल दूँगी, तो आप लोग रात में आई थिंक देख ही लेंगे। तो बाय, मैं जाती हूँ, गुड नाइट और